नमस्ते दीदी। नमस्ते। अब मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ, शादी करनी पड़ेगी आपको। लड़का ढूंढ रहे? तो लड़का हाँ, भी ढूंढ लिया। बिल्कुल ढूंढ रहा हूँ मैं। आज तेरे इतनी हिम्मत हो गई, तूने मुझे यहाँ बुला लिया और किसी और को भी यहाँ बुला लिया। दीदी देख, तू अब ज्यादा मेरे से दिमाग खराब है। दीदी बस तू 5 मिनट की बात है, तू 5 मिनट में उससे मिल ले। मतलब तू किसी को बुलाएगा और मैं उसके मुंह पे मना करूंगी, अच्छा लगेगा? दीदी ले आया। ये कौन है? क्या हो गया दीदी? छह महीने से आपने पागल बना रखा है। दीदी को मैं क्या जवाब दूंगा? राहुल भाई प्लीज देख, मेरी बात सुन ले, एक बार मुझे उससे मिलवा दे। जीजा जी देखो, मैं तो समझ जाऊंगा पर दीदी को कौन समझाएगा ये बात? राहुल भाई प्लीज, मेरी गलती थी। देख गलती क्या, मैं बहुत फंस गया था बहुत बुरी तरह से। अरे फंस गए थे तो ये आपने कैमरा लगवा रखा और पब्लिक को दिखा रहे हो क्या? मतलब कैमरा मैंने इसलिए लगवा रखा ताकि तुम लोग मुझे कुछ डाउट ना करो। मैं फंस चुका था, मेरी गलती ये थी। जीजा जी बहुत बड़ी गलत बात है, मैं दीदी को कैसे समझाऊं, क्या बोलूं मैं? कैमरे से क्या प्रॉब्लम है बता दे पहले। भाई देखो इन्होंने शादी करी थी, मुझे सब पता है। देखो मुझे आज यहाँ बुलाया गया ना, तुम्हारे जीजा जी ने ही मुझे इनवाइट करा। हाँ जी, वो ये कैमरा मैंने लगाया ताकि तुम्हारा जो रिश्तेदार जो बोलता है, क्या बोलता है वो बताओ? वो भाई कह रहा है कि यही बोलते हैं कि 6 महीने से पता नहीं लापता हो गया है, शादी भी करी थी नहीं करी, क्या चक्कर है ना कुछ नहीं पता। भाई देखो भाई मैं फंस चुका था। सीधी बात है, कैमरा लगाने का एक ही रीजन है, जो रिश्तेदार ऐसी बातें कर रहा है कि 8 महीने पहले इसने तुम्हारी बहन की जेवर लेके भागा था, तो ये सच्चाई नहीं है क्योंकि ये फंस चुका था। इसकी हालत देख इसकी हालत, अब तेरे सामने ये आए हैं, तेरे को मतलब खुशी नहीं हो रही है क्या? अरे वो तो ठीक है पर मैं तो समझ रहा हूँ, पर मेरी दीदी नहीं समझेगी ना इस चीज को। भाई आप समझो ना। दीदी क्यों नहीं समझेगी? जो लड़की 8 महीना तक, सुनो, जो लड़की 8 महीना तक वेट कर सकती है एक इंसान का, तुमने शादी कराने की कोशिश करी थी ना? बिल्कुल। उसने क्यों नहीं करा शादी? क्योंकि उसने वो प्यार करती है आज भी। चलो भाई मैं आपकी बात मान लेता हूँ ठीक है, पर ये लोग जो बोल रहे हैं उसका मैं क्या करूँ? तो उसके लिए ये है ना, मुंह बंद करवाने के लिए। भाई क्यों फंसा था, कहाँ फंसा था, वही बात करेंगे ना हम। देखो भाई तुम्हें अपनी बहन की घर बसाने हैं तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा ब्रदर। वो तो बात ठीक है, बसाना घर पर, ऐसा थोड़ी होता है 6 महीने बाद बंदा अचानक से आ गया मेरे पास। राहुल भाई तू एक बार उसे मिलवा दे, वो मान जाएगी। इंसान मुझे उससे बहुत प्यार करता हूं, उससे कल मिले थे ठीक है, कल तू रेडी हो गया कैमरे के लिए A to Z के लिए कि मैं संभाल लूंगा, मेरी बहन अभी घर पे है, मायके है, आएगी, मैं सब कुछ मिलवा के सब कुछ सही कर देंगे। और तुम्हें पता है तू तो कल मिला था, ये मुझसे 4 दिन पहले ही मिले थे, 1 हफ्ता हो गया मिले हुए। तो भाई मैं कैसे समझाऊं लोग बाग को, कैसे समझाऊंगा दीदी को, कैसे समझाऊंगा? समझाना है दीदी को, बुलाओ यहाँ पे, जो समझना होगा वीडियो देख के, स्टोरी समझ के देख के, क्योंकि भाई मेरी वीडियो जो है ना लाखों की व्यूज है, मिलियन में व्यूज है। जो इसी वजह से भाई को बुलाया तो मुझे पता था। देखो सूरज भाई आप टेंशन मत लो, आपके साथ जो हुआ वही बताओ कैमरे पे, जो नहीं हुआ वो एक्स्ट्रा मत बताना ठीक है? मैं वही बताऊं। चलो एक काम करता हूं भाई, बहन को नहीं पहले बहन को कॉल बुला लेता हूं, कंफर्म करेंगे कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तभी मैं वीडियो का आगे ले जाऊंगा, नहीं तो अभी आगे नहीं भरेंगे। भाई कोई पता नहीं है, आप भी सकती नहीं भी आ सकती। बात करो वो उससे जैसे मनाना है, इमरजेंसी बोल के कुछ भी, एक्सीडेंट करके कुछ भी बोलो। मैं फोन कर लेता हूँ भाई, ठीक बुलाओ यहाँ पे। भाई बंदा परेशान है, 8 महीने इन्होंने जो झेला वो तुम्हें नहीं पता है ना, भूखे प्यासे रह के। हेलो। हेलो हाँ दीदी, कहाँ पे हो? क्यों क्या हुआ? थोड़ा दीदी काम था, पार्क में आ जाओगी? पार्क में? भाई तुझे अच्छे से पता है मेरे को कितनी मुश्किल से तो काम मिला है। हाँ। अब मैं छुट्टियां ले लेके क्या आऊंगी? देख लो दीदी थोड़ा आ जाओ, क्या काम है? अगर हो सकता है तो दीदी आ जाओ पार्क, 5 मिनट की बात है बस, 5 मिनट के लिए आ जाओ, फिर आप बोल के चले जाना। मुश्किल है, कितना मुश्किल हो रहा है सब चीजें मैनेज करना, तो मुझे बोल रहे पार्क में आ जाओ, मैं क्या बोलूंगी? दीदी देखो मुझे नहीं पता, मैं तो हाइपर हो रहा हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा है, बस 5 मिनट के लिए आ जाओ, बात करके चले जाना यहाँ से, कुछ मेरे को जरूरी बात करनी है आपसे, बस आ जाओ आप। कहाँ पे आना है बता? अपने वही घर के वाले पार्क में, बगल वाले में। चल ठीक है, ठीक है दीदी आज भाई। देखो बुला लिया है, कॉल कट गया है। देखो भैया राहुल भाई देखो, हाँ जी भाई, कभी कभी चीजें को पता है झूठ तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन अभी आपकी बहन की घर की बसने की सवाल है। अब अगर तुम्हें क्या है कि
यहाँ पे नरम लहजे से बात करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी बहन भी समझ सके, क्योंकि हम चाहते हैं इस मोमेंट को वो जिंदगी भर याद रखे, क्योंकि तुम्हारा बहन आज भी इनसे प्यार करती है। नहीं, प्यार तो बहुत करती है। तुमने जैसा बताया कि एक महीना पहले भी तुमने कोशिश करा था, तो तुम्हारी बहन ने मना कर दिया किसी और से शादी करने के लिए। नहीं करेगी भाई वो। तो भाई आज कल के दौर में जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, हम और तुम एक ही उम्र के लोग हैं। बिल्कुल भाई, आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे के एक हफ्ता भी वेट नहीं करते, नहीं कर मानते हो ना इस चीज़ को। ये चीज़ आपकी सही है। हमारी बहन इतनी दिल की साफ है, इतनी अच्छी है, जो सोशल मीडिया का प्यार को उन्होंने 8 महीने का इंतजार तक वेट करा है वो, तो इनको प्यार को रिस्पेक्ट दो। मैं भी तुम्हारी बहन का रिस्पेक्ट दे रहा हूँ ताकि दोनों के घर बस जाए। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, पूरी चीज़ बताना, आपको बोलने का मौका मिलेगा। मैं इंट्रो स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट कर देना भाई, जूम कर दे हम लोग पे। वेलकम बैक टू आवर चैनल, मैं हूँ मासूम रजा। दोस्तों हमारे साथ यहाँ बैठे हुए सूरज जी, और ये है इनके साला, और इनका नाम है राहुल। और जी यहाँ पे जिस लड़की के बारे में बात हो रही है ना, कंचन, वो इसकी बहन है, और कंचन की शादी आज से लगभग लगा लो 12-18 यानी कि 20-21 महीने पहले हुई थी, जो इनसे हुई थी, जहाँ पे सोशल मीडिया पे मिले थे ये। और ये 8 महीने पहले दुबई चले गए थे। भाई दुबई जाने का मतलब यही है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना, ताकि अपने घर परिवार को थोड़ा अच्छा लग्जरी लाइफ दे सके, यही सोच के ये दुबई गए थे। लेकिन वहाँ पे गलत एजेंट के चक्कर में ये पड़ गए, क्योंकि ये गए हुए थे, ये टेक्नीशियन है, ये मतलब मशीन वगैरह का ज़्यादा जानकार है, कार वार का। तो ये गए थे गैराज में काम करने के, वो फॉर्म भरे थे, लेकिन वहाँ पे इनसे कुछ और कराया जा रहा था, और वहाँ पे इनको कॉन्टैक्ट करने के लिए इंडिया में किसी से नहीं दे रहा था। तो क्या बातें थी एक बार ना सूरज भाई, आप अपने तरीके से बताओ एक्चुअल में हुआ क्या था। कंचन को आप 8 महीने से नहीं मिल पाए, घर परिवार को आपने मैसेज नहीं दे पाया, मतलब क्या हुआ था वहाँ जाने के बाद? पहले तो ये बताओ, आपके अकेले घर परिवार में हो आप, जैसा ने अपने ये भी बताया था मुझे। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे से मामा है और मेरे घर में कोई भी नहीं है। तो इस वजह से अब मेरे इससे कंचन से बात हुई, पहले शादी हम दोनों ने करी, उसके बाद मैंने कहा कंचन देख मैं अपना काम करने जा रहा हूँ बाहर, मुझे बाहर का अच्छा जॉब मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल जाएगा, बस ये अगर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पैसा। तो जैसा है कि आपने मतलब ये भी बताया था, टिकट और वीज़ा के खर्चा अपनी बीबी के जेवर को गिरवी रख के आप गए थे। हाँ जी, मैं ऐसे ही कर रहा था, मैंने जो मार्केट में अनाउंस था कि भेज दिया है। हाँ बिल्कुल भाई, तो जेवर अभी भी है? जेवर तो है, मगर वो छुड़ा लूँगा, क्योंकि मैं एक्चुअली मैंने वहाँ से जो भी करा था, जितना भी करा मैंने उसके हिसाब से छुड़ा भी लिया है। बस ये कि बस मेरी बात नहीं मानना तैयार नहीं होना कोई से भी, ये कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भाग गए हो। मैं भागा नहीं था, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था, उन लोगों ने मेरा फ़ोन, मेरा वीज़ा, हर कागज़ ऐसे कोई नहीं था जो मेरे पास है, हर चीज़ उन लोगों ने छीन ली मुझे, और ऐसे पूरी तरह से रखा मुझे, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अंदर, पेड़ पकड़ छोड़ रखा था। वहाँ पे और भी तो अदर इंसान होंगे जो आपको इंडिया में किसी से भी बात करने के लिए फ़ोन दे सकता था, आप ऐसा कुछ सर नहीं किया? सर वहाँ पे कोई किसी की बात नहीं मानता है, हर किसी को कहता है ये फ्रॉड हो सकता है, मतलब कुछ भी उनका भरोसा होता है, जितने भी दुबई के अंदर सब अपने अपने को करते हैं। कभी आजकल तो नौकरों के बारे में सुनते हो आप लोग, ये नौकर ने धोखा दे दिया, ये करा हुआ, बस इसी चक्कर में कोई किसी को फ़ोन नहीं देता था। अच्छा, मतलब फ़ोन वहाँ नहीं ले पाते थे? फ़ोन नहीं दिया, रेगिस्तान वगैरह, रेगिस्तान में जाकर छोड़ा, पहले मुझे बहुत टॉर्चर करा, मारा पीटा, कहता कि तुम्हें ये काम करने पड़ेंगे, मगर मैंने ये काम नहीं करे। अब हालात इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे मजबूरी में मुझे सिर्फ ये सारे काम करने पड़े। आए तो जीजा जी फ़ोन ही कर दे, छोटा सा फ़ोन ही कर दे, कहाँ से करते रहो, मैसेज ही कर देते। तो वही तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ये वही बात तो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं बन पाया कि मैं कॉल कर सकूँ। इनके फ़ोन जब्त हो गए, वीज़ा जब्त हो गया, और इसका पासपोर्ट जब्त हो गया, और इसको यहाँ रखा गया जहाँ पे इंसान था ही नहीं, ऐसा बात है? ऐसे थे भैया। तो आप जो अचानक से आए हो एक हफ्ता पहले, कैसे आए आप? वो तो बस ऐसे कहते कुछ काम करा था, फिर मैंने कोई ऐसा बंदा मिला, हमारा इंडियन बंदा जो मिला था, उससे मेरे बात करी, उसको मैंने अपनी दर्द समझाए, उसने मुझे चोरी छुपे मेरा सब कुछ कागज़ वागज बनवा करके डुप्लीकेट, क्योंकि डुप्लीकेट हर जगह बन जाता है, तो उस लोगों ने फिर मुझे डुप्लीकेट बना करके मुझे इस तरह से लेकर गया यहाँ पर। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो कि वाइफ तो इतने दिन तक आपका वेट करिए, तो आप तो किस्मत वाले हो भैया। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसी वजह से आप अभी तक याद है कि उसकी एक एक बात, तो उसने कभी मुझे धोखा देने की कोशिश करी ही नहीं। शायद आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने बहुत बार ट्राई करा कि अपनी बहन की दूसरी शादी करा दो, ये करा होगा उन्होंने, मुझे पता है। वो हर चीज़ हर बार मना करी है। मैं तो उसे यही चीज़ बोलता हूँ मिस्टर जीजा जी कि नहीं तू छोड़, वो बंदा नहीं आने वाला, उसे भूल जा,
वो एक किस्म मर गया ये मान ले तू, कहीं देख ले। प्यार भी तो कुछ चीज होती है यार। चलो ठीक है, एक चीज राहुल मुझे ये बताओ, तुम्हारी बहन आज तक इनका वेट कर रही है, इन्होंने लव मैरिज करा था, तो तुम्हारे इस चीज को कैसे लेते थे? तुम्हारे घर वाले तो जरूर इनको शादी के लिए फोर्स करते होंगे, तुम्हारी दीदी को। नहीं वो तो सही है, फोर्स करते थे, बट क्या करें, दीदी ने एक ही चीज़ बोली कि मैं नहीं रह सकती उस बंदे के, फिर वो चला गया बेशक, वो कहीं भी चला गया प्यार करते है। और जी यही तो आपको समझा रहा हूँ, उसने यही बोलता कि वो नहीं मरा है मुझे, मैंने बोला मर गया भूल जाओ उसको, पर नहीं करी अभी है मुझे पता है। आज लड़की ने बेचारी ने आज प्यार करके चक्कर में 6 महीने हो गए, अभी तक कुंवारी बैठी हुई शादी नहीं, हम कितना फोर्स कर रहे हैं उसे शादी कर ले नहीं कर रही है। अब मैंने बुलाया तो जीजाजी फोन करके, वो आ रही है, बाकी दूसरी चीज़ें मैं जो जिस तरीके से मैं चाहूँगा उस तरह से होगी चीज़ें, ताकि उनको भी ये यादगार रहे। और भैया आपको इतना हद तक उसको मनाने की कोशिश करना, चाला उसके लिए मैं पैर पे क्यों ना गिरना पड़े, और हम लोग तो हैं ही यहाँ पे मनाने के लिए। ठीक है भैया, बाकी आप चले जाओ यहाँ से, अपनी बहन से ये मिलेगा, अपनी बहन से पहले कन्वेंस करेगा, बातें करेगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। हाँ जी वही सारी चीज़ें बात, ठीक है, आप जो बैग लो मैं आपको बुला लूँगा। बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहो, जब तक कंचन जी आएंगी और हम देखेंगे क्या सारी चीज़ें होती है, उनका रिएक्शन क्या होगा इनके इनको देखने के बाद, और बिल्कुल स्किप मत करना। थैंक यू सो मच। नमस्ते दीदी। नमस्ते, क्यों बुलाया मुझे? खुद तो तू कुछ काम करता नहीं है। हाँ मुझे भी, मेरी भी नौकरी छुटवा दे, तुझे पता है तेरे जीजा घर पर भी नहीं है, मुझे कितना मुश्किल है मैनेज करना, पता है ना तुझे सब? मैं भी ऑफिस से आ रहा हूँ, छुट्टी लेके, आपके स्पेशल मुझे बात करनी थी, आप इसलिए आया हूं। क्या बात करनी है? बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, इसलिए मैं थोड़ा अच्छी खबर है, तू वही फिर रिश्ते वाली बात करेगा, ये अच्छी खबर है। तो दीदी क्या करूँ आप बताओ ना, लोग इतने ताने मारते हैं मेरे को, घर वाले बोलते हैं कि तू अपनी बहन से बोल, तेरी बहन है, तू समझा उसको, मैं क्या समझाऊँ उनको? बोल कि मेरी बहन है, वो मेरी बहन की प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं है, ठीक है? देखो दीदी मैं कोई मुश्किल नहीं है। दीदी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसे भूल जाओ, छोड़ दो, वो क्यों भूल जाऊँ मैं? वो नहीं रहा, ये मान लो कोई दूसरा अच्छा लड़का। देख सुन, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ना मैंने तुम लोगों से राय लेके शादी की थी, और ना मैं इसको बना के रखूंगी, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगी, मैं वेट करूंगी उनका। और नहीं आया तो? क्यों नहीं आएंगे, तेरे को फोन करके बोला है उन्होंने कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे लग रहा दीदी कितने 6-7 महीने होने वाले, अभी तक आया नहीं बंदा। 6-7 महीने ही होने वाले हैं ना, साथ जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई ना, मैं मर तो नहीं गई हूँ ना अभी। आपकी बात नहीं कर रहा, उसका बंदे का कुछ पता नहीं, वो है या नहीं है, कहाँ है, कुछ नहीं है, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, वो फोन ना कर पा रहे हो, इससे तुझे कोई पता है? दीदी आप पागल हो गई, आप नहीं समझ रही हो आप बात ना, उसके प्यार में। अगर तुझे यही बकवास बात करनी थी ना तो तुझे मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। देखो मैं तो इसलिए बता बुलाया कि घर में फैमिली वैमिली भी मेरे से ये बोलती है कि तू अकेले में समझा उसको, जाके अकेले में समझा, तो मैं क्या बोलूँ दीदी? और भी काम है भाई, तेरे पास भी काम है, मेरे पास भी काम है, तूने मुझे यहाँ बुला लिया, तुझे अच्छे से पता था कि मैं मानूंगी नहीं, ये कोई मतलब होता है? बता तू बार बार एक ही बात करता है, हमारे भी रिश्ते तू खराब कर रहा है, कल को मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी अगर तू हमेशा यही सब चीजें करता रहेगा तो। दीदी क्या करूँगी, आप खुद समझो ना इस बात को। मैं कुछ भी करूंगी, मैं तेरे से तो खर्चा नहीं मांग रही ना, अपना अपने आप करती हूँ। अरे अच्छा नहीं लगता, लोग बात क्या सोचते, बदनामी हमारी हो रही दीदी, आपको नहीं पता घर की कितनी, मम्मी पापा की कितनी बेइज्जती हो रही है, पता आपको? क्यों क्यों बदनामी हो रही, मैं शादी करी है ना, ऐसा तो नहीं ना किसी के साथ। हर बंदा बोलता है तेरी बहन अकेले घूमती है, कोई हस्बैंड नहीं दिखता उसको 6 महीने से, कोई बच्चा नहीं कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ शादी हुई भी है। हस्बैंड नहीं दिखता तो इससे क्या मतलब होता है, कोई कुछ भी बोलेगा तो बोल देना मेरे चीजें बाहर काम करने के आ जाएंगे, उन्हें क्या मतलब? दीदी ये दुनिया नहीं समझती ना बात, आप तो समझ जाओगे, फैमिली तो समझ समझता है ना, समझता हूँ पर दुनिया तो नहीं समझती ना, कि तेरी बहन के तेरे जीजा नहीं है, तेरी बहन उनका वेट कर रही है, जब तक वहाँ से कोई मैसेज नहीं आ जाता मैं कोई ऐसी फालतू की बातें नहीं। ऐसे दीदी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, ऐसी रहोगी, ऐसी रह जाओगी सिंगल? हां मैं ऐसी ही रह जाऊंगी सिंगल। यार दीदी क्यों नहीं समझ रही बात को यार, मुझे पता है वो आएंगे, ठीक है, तू ना रोज रोज ये हर दूसरे दिन ना ये बातें करके ना मेरा दिमाग, आप मेरे से शर्त लगवा लो, वो बंदा नहीं आने वाला है, वो मर गया है किस्म का, भूल गया है उसे, भूल जाओ, मैं कह रहा हूँ शादी कर लो, कहीं लाइफ क्यों खराब कर रही हो अपनी? मेरी लाइफ खराब है ना, तू शादी कर ले, तू सेटल हो जा, तू पहले आप तो सेटल हो जाओ, उसके बाद ही तो होगा मैं, नहीं तो लोग तो ताने मारेंगे ना मुझे, बहन का तो कुछ पता था नहीं, हस्बैंड का, और तू अपना, उनको बोल दे बहन जो है मर गई हमारी, चली गई है, मैं नहीं पता। यार क्यों नहीं समझ रही हो दीदी? यार देख तू अगर मुझसे ऐसी फालतू की बातें कर रहा है ना, मैं जाऊँ? तुम बैठो अभी, कहीं मत जाओ। क्यों? देखो दीदी प्लीज प्यार से बोल रहा हूँ, मान जाओ, कर लो शादी, कुछ नहीं रखा, कर लो। तेरे जीजा के होते होते शादी कर लो, ये बताओ। जीजा है कहाँ, कहाँ है जीजा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कहीं तो होंगे ना। कहाँ होंगे? जहाँ गए हैं ना वो, दुबई गए हैं ना, काम से गए हैं ना, कुछ पता, वही दीदी समझा रहा हूँ, आप ना बिल्कुल उसके बंदे के चक्कर में बिल्कुल पागल हो चुकी, आपको कुछ नहीं दिख रहा है आसपास, क्या हो रहा है? कोई ऐसा ही बंदा नहीं है जिसके बारे में तू बात कर रहे है, तो वही तो मैंने शादी की है बाकायदा, रही हूँ मैं उनके लिए। अब तू चाहता है कि
बस सिर्फ वो क्योंकि वो कहीं गए हुए और उनका कोई मैसेज नहीं आया तो मैं किसी दूसरे बंदे से शादी कर लूं। तू दीदी नहीं समझेगी, तेरे को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, कितना मैं बोल दूंगा मैं अपने ही। मुझे बुलाया क्यों है, क्यों समझा रहा है तू मुझे बेकार की बात? दीदी नहीं लगता अच्छा, तू मान जा यार, समझ ले दीदी मान जा। मैं जा रही हूँ और मेरा ना। अरे मान जा दीदी यार प्लीज, यहाँ तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, पैर पड़ रहा हूँ तेरे यार, मान जा तू। तू ऐसी अगर देख तेरे जीजा से मेरा डिवोर्स हो चुका होता, वो इस दुनिया में नहीं होते तो कहता वो हमें सही लगता। अब वो जिंदा है, मैं किसी से शादी कर लूं, मेरे शादी करने के बाद वो आ गए तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? तू लेगा तो डिवोर्स दे देना, सिंपल सी बात है। जब नहीं आएगा इतने तुम्हारे रिश्ते आ रहे फिर भी दीदी क्या कर रही हो पता नहीं। रिश्ते आ रहे हैं उनको मना कर दो कि मेरी दीदी शादीशुदा है, वो शादी नहीं करना चाहती। यार मैं कैसे मना कर दूं दीदी, लोग बाग क्या बोल रहे हैं तो समझो आप। मैं तो मना कर दूं ठीक है चल जाएगा, फैमिली मना कर दी, पर लोग बाग को देखो वो क्या बोल रहे हैं। लोग बाग किसके लोग बाग बोल रहे हैं? पूरी मेरे को ताने मारते, मेरे दोस्त कहते तेरी बहन का तो कुछ पता ही नहीं कौन सा। तू मुझे एक साल का टाइम और दे फिर मैं सोचूंगी इस बारे में। यार दीदी दिमाग खराब कर रही, मुझे नहीं पता तुम्हें शादी मैं करवाऊंगा तुम्हारे साथ। अब मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ, शादी करनी पड़ेगी आपको। लड़का ढूंढ रहे तू? लड़का भी ढूंढ लिया? बिल्कुल ढूंढ रहा हूँ मैं। आपको जबरदस्ती करवा दोगे तुम लोग तो क्या करूँ बताओ फिर? तो मुझे ना बेचारी मम्मी पापा डर के मारे बोल नहीं पाते। फालतू बकवास सुनने नहीं है और ना दोबारा मुझे इस फालतू बकवास के लिए फोन मत कर दियो, ठीक है? देख अगर तू चाहता है ना कि तेरा मेरा रिश्ता बना रहे, तू मेरा छोटा भाई बना रहे तो ना बना रहे, ये फालतू ना मेरी माँ मत बन। यार दीदी तुम क्यों नहीं समझ रही, पहले बैठो बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना। अरे बैठो सही यार दीदी, बैठो दीदी बैठो। बुला बुला के हमेशा। देखो आपको मैं रियल बात बताऊं, ज्यादा चिंता हो रही है तेरे जी। बहुत चिंता दीदी, बहुत चिंता, बड़ी बहन हो मेरी। बड़ी बहन भाई ठीक है, लेकिन अगर तू ये हरकतें करता रहा ना तो सच बता रही हूँ मैं आगे से तेरा फोन भी उठाना बंद कर दूंगी। मम्मी पापा तो वैसे ही मेरे से रहते हैं। तो बोल ही नहीं दीदी, कहाँ से बोलेंगे वो, कैसे बोलेंगे आपसे? बात करती हूँ उसके बाद तू ये हरकतें करता है ना, सच बता रही हूँ मैं। मुझे दीदी नहीं लगता अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन ऐसे। मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं उनको धोखा नहीं दे सकती हूँ। वो यहाँ नहीं है, उनका कोई मैसेज नहीं है, पता नहीं किस मुश्किल में फंसे होंगे, क्या हो गया होगा और मैं शादी करके बैठ जाऊँ बता। ये सही है, कल को तेरे साथ तेरी बीवी के साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाता तो फिर क्या तू शादी करके बैठ जाता? दीदी मैं सारी बात मान लूंगा, आपकी सारी बात सही है। मैं आपने मैंने बोला कि गलत है आपकी बात है, सारी बात है। आप ठीक हो अपनी तरफ से, पर वो भी तो देखो कि दीदी कब तक करोगी वेट बनने का, कब तक करोगी? नहीं आएगा वो। जिंदा हूं ना मैं वेट करूंगी, जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना मैं उस दिन वेट करना बंद कर दूंगी। चलो मैं एक बार बताता हूँ दीदी सच आपको, सारी बात छोड़ो, मैंने क्यों बुलाया आपको यहाँ पे? मैंने किसी को बुलाया है, उससे एक बार मिल लो आप, ठीक है? तूने यहाँ किसी को बुला रखा है? एक बार आप मिल लो उससे। ये कोई तेरा मतलब बनता है? तूने किसी को मतलब, अब तक तो तू मुझे बोल रहा था रिश्ता रिश्ता रिश्ता, आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई तूने मुझे यहाँ बुला लिया और किसी और को भी यहाँ बुला लिया? दीदी देख तू अब ज्यादा मेरे से खराब है। दीदी बस तू 5 मिनट की बात है, तू 5 मिनट में उससे मिल ले। मतलब तू किसी को बुलाएगा और मैं उसके मुंह पे मना करूंगी, अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा खानदान से, बहुत अच्छे खानदान से। पहले मैंने आपको आपकी मैंने फोटो भेजी थी उसको, उसके घर वाले उसने फैमिली ने पसंद कर लिया है। भाई ऐसा नहीं होता, तू ऐसा यार दीदी मान जा यार, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मान जा यार, 5 मिनट की बात है। मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी है, समझ में आ गया? तू है ही नहीं इस लायक बात। तू बैठ यार 5 मिनट दीदी। अरे 5 मिनट की बात है बस, तू एक बार देख ले मेरी बेइज्जती मत करो, मैंने बड़ी दूर से बुलाया बंदे को, इतना वो है। तू यहां बैठ, पहले तू यहां बैठ। मैं दीदी समझ ले बात को, मुझे ही बता भाई तेरे जी में चल क्या रहा है, तू चाहता क्या है? तू बस एक बार मिल ले उससे। मैं क्यों? वो तेरे ऊपर देखो बहुत ज्यादा बोझ हो रहे हो तुम। बस लास्ट तू देख ले, लास्ट रहती है लगू खाती है लगू सब कुछ मैं तुम लोगों से सिर्फ प्यार मोहब्बत का मतलब रखते हूं, उसके बाद में तुम लोग मेरे को मैं इतनी बोझ लग रही हूं। देख दीदी आज तेरे को बस लास्ट बोल रहा हूं, आज 5 मिनट की बात है, तू 5 मिनट उससे मिल ले, उसके बाद तू किसी से मत मिलियो, भूल जियो कोई था तू उसके पीछे रही हो। मेरी लाइफ में कोई पहले से ही है, मैं किसी और से क्यों मिलूं? और तूने बुला भी लिया, सबसे बड़ी तो मेरे को यही हैरानी है। तू मान जा प्लीज प्लीज, 5 मिनट की बात है तू मान जा बस, आगे से तुझे तेरे को कभी नहीं बोलूंगा मिलने के लिए, बस तू लास्ट टाइम मिल ले। ये आखिरी टाइम? हाँ बस पक्का देख ले। हाँ मेरी तरफ से पहले ही मना है। हाँ लेकिन क्योंकि तूने किसी को यहाँ बुला लिया इसलिए मैं सिर्फ बात, तू बस बात ही तो करनी है, बैठ के 5 मिनट तू बात कर ले अपना, चले जाइए फिर जो भी होगा देख लियो, ठीक है? तू बस 5 मिनट मिल ले दीदी, बुलाओ फिर उससे। पहले मना कर दियो उसको, ठीक है? मेरी तरफ से ना ही है, दीदी ऐसे कौन किसी को मिलाने के लिए लाता है? तेरा दिमाग खराब है क्या? दीदी तू 5 मिनट मिल ले, बस 5 मिनट देख तो ले है कौन? क्या है? देख तो ले होने वाला हस्बैंड तेरा, तू बस दे। हाँ पक्का वही है, तू एक बार देख ले बस, उसके बाद मेरे को बता दियो। मुझे देख तो रहा है लेकिन मुझे ना थोड़ा अजीब और डाउट हो रहा है। देख तो ले, मास्क तो हटा दे एक बार, देख तो ले जाके। ऐसे मास्क लगा के कौन आता है? दीदी मैंने तभी सरप्राइज है तेरे लिए,
तो देख ले बस एक बार। मतलब तुम अरे मैं ही हूँ यार, मैं ही हूँ, सच में ही है ना? तो मैंने तेरे को बोला था दीदी, तू मान ही नहीं रही मेरी बात। तुम्हारा सूरज हूँ मैं। मैंने तुझे कहा था नहीं आएंगे, कहा था ना मैंने? तू इधर आ, देख, तू देख, तू मुझे मत देखा, तू देख ही नहीं। देख लिया दीदी, मैं तेरे लिए लेके आया स्पेशल, तेरे ढूंढ के आ रहा था, देख ही आ गए। तुम कहा थे? ये लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया, तुम्हें कितनी बातें सुनाई, तुम कहा थे, कहा चले गए थे? मैंने बुलाया इसको तेरी खुशी के लिए। इसने बुलाया तुम्हें? कहाँ थे तुम इतने दिन, कहाँ थे? कितना मुश्किल हुआ, कितने दिन के ताने खाने पड़े, तुझे धोखा देके चला गया, झूठ मूठ की शादी के, ये भी मेरे खिलाफ तो पता है, रोज कोई ना कोई रिश्ता लेके आ जाता है। राहुल प्लीज यार, आज भी रिश्ता लेके आया था। राहुल प्लीज, तेरा पानी ले यार, प्लीज पानी, परेशान ले यार, मैं पानी ले आता, पानी ले आता। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम सच में आ गए हो ना। कहाँ थे तुम इतना टाइम? मैंने कितना वेट किया पता है? हर जगह पे मैंने तुम्हें ढूंढा, सोचे किसी वेबसाइट पे हो, शायद कहीं तुमने कोई फोटो डाला हो, कुछ हो, कहीं पे भी तुम नहीं थे। और ये पता है, मम्मी पापा, ये भाई राहुल, ये रोज रोज कोई ना कोई रिश्ते लाते, कहते तुम छोड़ के चले गए, तुम धोखेबाज थे, तुम ये थे, कितना मुश्किल हो गया। तुझे पता है मैं धोखा नहीं देता, तुझे पता है तुझे बहुत प्यार करता हूँ, और तेरे बिना तो मैं रह नहीं सकता था। इसी विश्वास पे तो तुम्हारा अभी तक इंतजार कर रही थी मैं। और मुझे ऐसे जंगल में जाके रेगिस्तान में लाके छोड़ दिया यार। रो मत यार, प्लीज रो मत, प्लीज 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 रो मत, प्लीज प्लीज, देख मैं आ गया ना, देख प्लीज। तुम इतने मुश्किलों में थे और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। लो पहले पानी पियो, पानी पियो। तुम पियो, तुम पियो। मैं पी लूंगा फिर। ओके पहले लो, ये पी लो। अब तू देख रहा है ना, अब मत बोलियो कभी भी कि ये मुझे छोड़ के जाने वाले थे। तेरी सब खुशी के लिए करा, मुझे पता था इतने ताने पड़ रहे हैं। पानी भी लग रहा है यार तेरे खुशी के आगे। अब सब ठीक है ना? क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत देखो, तुझे पता है भरोसा था ना बंदा आएगा? मुझे भरोसा था, मुझे पूरा भरोसा मेरे कंचों पे। वो तो हमें आज मिल गया, मतलब बस कैसे ना कैसे कांटेक्ट, बड़ी मुश्किल से बचाने मेरे से कांटेक्ट करा, कांटेक्ट हुआ, उसके बाद ही बंदा आया मेरे पास। तब मेरे को लगा अब घर चल रहे हैं, ठीक है, और अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पे जॉब करोगे, भले ही तुम मजदूरी कर लो, लेकिन तुम अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। कभी कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज कभी कहीं छोड़ के जाओगे तुझे यार। मुझे अब कोई भरोसा नहीं, तुम भले ही कुछ भी काम करना, घर के सामने ही काम करना, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, हमेशा तुम ऐसे ही करते हो। यार देख, तुझे पता है घर की हालत खराब थे, घर की हालत खराब थे ना, हम दोनों मिलके कुछ कर लेंगे, यहीं पर काम करोगे, यहीं रहोगे। मैं तेरी कसम खा के रहो, मैं यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम पहले भी तो सडनली चले गए ना, मुझे बिना बताए मैं कैसे भरोसा कर लूं? राहुल देख, मैं इन पे भरोसा करूं क्या? बता मुझे भरोसा। राहुल भाई बोल रहा तो मान लेना बात, ये पहले भी तो चले गए थे ना, ठीक है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं तुम पे भरोसा कर लूं तुम फिर चले गए तो। नहीं जाऊंगा प्लीज, नहीं जाऊंगा प्लीज, नहीं 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 प्लीज, देख मेरे हाथ जोड़ो प्लीज, कुछ भी ऐसा करो जिससे मुझे भरोसा। समझ बात को, मैं नहीं जाऊंगा।
शादी करके चले गए थे, क्या गारंटी तुम इनकी बातों में आ रहा है? देख मुझे अब उस पर ट्रस्ट हो गया, बंदा पुत्र को छोड़ के नहीं जाने वाला, इतना मुझे भरोसा है उस पर। कैसे मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं और वेट कर लूंगी, लेकिन ये इंसान का कैसे मैं भरोसा करूँ तुम्हारा? तुम मुझे बताओ, जाएगा यार, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, मैं तू क्या गारंटी लेगा बता? ये इतने दिन से चले गए, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ मैं नहीं जाऊंगा तुझे, प्लीज मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज। उठो भैया उठो। नमस्ते। नमस्ते। मेरे भाई ने बुलाया, मेरा दोस्त। अच्छा, दीदी बैठो। मैं आपको पता है इनके बारे में? मुझे सब कुछ पता है, बस आपको कुछ बताने के लिए मैं यहाँ पे आया था। आपको क्यों लग रहा है ये प्लीज वापस चले जाए, बताओ? देखो मुझे पता है कि 8 महीने से गायब था, 8 महीने से गायब है। इनको देख के तुम, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तो मन में है ना कि अगर ये फिर चले गए तो कौन कौन जिम्मेदारी लेगा? मेरी बात सुनो आप, जिम्मेदारी पूरी दुनिया अगर ले तो, एका पूरी दुनिया ले तो चले, पूरी दुनिया कोई क्यों मेरी जिम्मेदारी लेगी? ये पूरी दुनिया के सामने आपको सूरज जी प्रॉमिस करेंगे कि आज के बाद वो कंचन को 1 मिनट के लिए भी छोड़ के अकेला नहीं जाएगा। जॉब दिल्ली में करेगा, इसका बिजनेस भी दिल्ली में चलेगा, इसका काम भी दिल्ली में, और ये दिल्ली में दुकान खोलने वाला है मोटरसाइकिल के पार्ट्स का, इसने बोला है। हाँ, और ये सामने देख लो कैमरा, आप पूरी दुनिया देख रही है ये वीडियो कैमरा। हाँ, इन्होंने लगवाया, और मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे लाखों में व्यूवर है, आपको पूरी दुनिया के सामने प्रॉमिस करा। सूरज भैया प्रॉमिस कर लो, आज मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा, पक्का ना? पक्का, देख लो तुम कैमरे में बोल रहे हो, इस बार मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी, तुम्हें क्लेम कर दूंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, पक्का ना? अब जो भी होगा दीदी, पक्का है ना? नहीं, हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर ये चले गए तो हम क्या कर सकते हैं? देखो बेनिफिट इसका ये है कि ये इंसान कहीं भी जाए, ये इंसान उस तरह से जी नहीं पाएगा, डार्क के तरह, घोस्ट के तरह, भूत के तरह, कि कोई भी इसको पहचाने नहीं। अब देख लो, के बाद पूरी दुनिया इसको पहचाने, तुमने खुद बनवाया ही वीडियो, और उसके बाद अगर तुमने कोई फिर से धोखा किया तो, और शायद दीदी को ये भी सपोर्ट मिलेगा कि पूरी दुनिया इसको ये कह के बोलता था कि देखना लव मैरिज करके शादी करी थी और छोड़ के चला गया पति, अब तो वो पूरी दुनिया को जवाब मिलेगा ना मैडम? भाई भैया मैं आपका हाथ जोड़ूंगा, ये सब मत करो, मेरी बात सुनो, सूरज मेरा दोस्त है, राहुल मेरा दोस्त है, और आप भी मेरे दोस्त के जैसे ही हो, तो आप प्लीज इनको छोड़ के मत जाना, इन्होंने 8 महीना आपका इंतजार किया, 8 महीना बहुत होता है, आजकल 8 दिन भी लोग वेट नहीं करते, लड़के लड़के आपस में ऐसे रिश्ता बन चुका है, ये नहीं समझ रहे ना इस चीज को? अरे बस समझ दो यार, इनकी भी मजबूरियां थी भाई, दीदी को ले जाओ, दीदी का ख्याल रखना भाई, जाओ ठीक है, चलो अब हम सीधा घर चल रहे हैं, तुम्हारा बैग है, क्या करूँ? थैंक यू राहुल, तू मेरा प्यारा और अच्छा भाई है, तू हमेशा मेरा ख्याल रखते है।